अब ये माना जा रहा है कि जो है जो चोरी की बढ़ती घटनाएं हैं, जो लगातार लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन जिस रात से एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया और एक बदमाश का जो है साथी मौके से फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा है, लेकिन पुलिस उसे भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। और एक मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगने से घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता जो है गाजियाबाद से फोन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? बदमाशों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है और तकरीबन 25 से 30 आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिस तरह प्रवेश बताया जा रहा था, मजदूर के द्वारा निरंतर ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ बदमाश लोहिया नगर इलाके में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। तभी पुलिस ने पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि गाजियाबाद का लोहिया नगर और राजनगर इलाका पूरी तरीके से चेकिंग अभियान के तौर पर वहां पर पुलिस के अपने कॉन्स्टेबल्स और दरोगा जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको लगाया गया था और चेकिंग अभियान तेज कर दी थी। तभी पुलिस को एक बाइक आती दिखाई दी, बाइक को जब रुकने का इशारा किया तो पुलिस ने जो पुलिस पार्टी के ऊपर उस बाइक सवार पीछे बैठे एक शख्स ने गोली चलानी शुरू कर दी। जहां भी कार्रवाई करते हैं जब पुलिस ने गोली चलाई है तो पीछे बैठे हुए शख्स की गोली लगी है, जिसका नाम परवेज बताया जा रहा है। आगे उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर बिल्कुल। लेकिन जितेंद्र, जिस पुलिसकर्मी को गोली लगी और घायल बताया जा रहा है, उसकी हालत अब कैसे बनी और कहां पर इलाज चल रहा है? आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस पार्टी पर बदमाशों के द्वारा गोली चलाई गई थी, उसमें कांस्टेबल सचिन को भी गोली लगी थी। फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन जिस तरीके से बदमाशों ने तुरंत पुलिस पार्टी पर गोली चलाई, उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि बदमाशों के जो मंशा थी वो ये थी कि वो वहां से फरार हो सके। और कई राउंड फायर चलाने के बाद वो मौके से फरार होने का प्रयास भी कर रहे थे कि पुलिस ने परवेज को गिरफ्तार किया है। फिलहाल परवेज के पैर में गोली लगी है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अब जेल भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन जितेंद्र, अगर यहाँ पर क्या माना जाए, जिस तरह से गाजियाबाद में लगातार चोरी और लूटपाट की घटनाओं में इजाफा हो रहा था और यहाँ पर बड़ी कामयाबी, एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया, क्या इस तरह की घटनाओं पर अब लगाम लगाई जा सकती है? लेकिन फिलहाल आपको तरीके से गाजियाबाद के हालात हो गए हैं, उससे कहीं ना कहीं साफ है कि बदमाशों के हालत गाजियाबाद में काफी बुलंद है। अभी ये एनकाउंटर हुआ है पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। अगर बात की जाए थोड़े कुछ घंटों पहले की, तो गाजियाबाद के रजापुर गांव में बदमाशों के द्वारा घर में घुसकर गोली चलाई गई है और उसके बाद बदमाशों से पुलिस ने मुठभेड़ दिखाई है। अब आप ये कह सकते हैं कि या तो पुलिस अपना घुसपैठ दिखा रही है, क्या ये कह सकते हैं कि जो हालात है वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी खाली है, कई सारे ऐसे पहलू हैं जिनमें पुलिस ढूंढ रही है बदमाशों को, लेकिन पुलिस बदमाशों को सुराग तक नहीं लगा पा रही है। फिलहाल जिस तरीके का एनकाउंटर है, जाहिर तौर पर इसे एक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के हरदोई के भी रेलवे स्टेशन पर